प्रियांश ने आराधना को आखिर गिफ्ट में ऐसा क्या दिया? वेल दोस्तों, सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल बरसाते के न्यू ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा रिहांश आराधना के लिए एक गिफ्ट लेगा और आराधना को दिखाने अपने साथ वो स्टोर में ले जाएगा, जहां आराधना कुछ ऐसा देख लेगी जिसके बारे में आराधना ने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्या रिहांश ने आराधना को जो गिफ्ट दिया है वो जिंदल फैमिली से जुड़ा है? साथ ही सवाल ये भी उठता है, क्या जिंदल फैमिली को बेनकाब करने में रिहांश आराधना का साथ दे रहा? तो चलिए देखते हैं सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल बरसाते के अपकमिंग ट्रैक में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रिहांश आराधना को मूर्ति स्कीम स्टोरी करने से मना करता है, लेकिन आराधना नहीं मानती और वो मूर्ति स्कीम स्टोरी करने की जिद करती है, जिसके बाद रिहांश और आराधना के बीच नोकझोंक हो जाती है और उसी दौरान आराधना रिहांश को धक्का देती है, जिसके वजह से रिहांश को चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंगद और माया की शादी का अगला प्रोग्राम शुरू हो गया होता है। उस फंक्शन में आराधना और रिहांश एक रोमांटिक डांस करते साथ में नजर आए थे। हालांकि अचानक सुजैन आंटी वहां आती है और वो कहती है, पहले देवी मूर्ति की पूजा मैं करूंगी। लेकिन आपको बता दे कि अलका ने तो वो मूर्ति पहले ही चुरा ली थी। वहीं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि रिहांश आराधना के लिए एक गिफ्ट खरीदेगा और उसे दिखाने के लिए अपने साथ स्टोर में ले जाएगा, जहां आराधना कुछ ऐसा देख लेगी जिसकी वजह से वो चौंक जाएगी। आपको बता दें कि रिहांश ने आराधना के लिए जो गिफ्ट लिया है वो कुछ और नहीं बल्कि अलका जिंदल ने जिस मूर्ति को चुराया था उसी को दिखाने रिहांश आराधना को स्टोर में ले जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया इस सीरियल में जब अलका जिंदल सबके सामने अपनी गलती को मान लेगी। लेकिन सवाल अब ये उठता है, अंगद और माया की शादी क्या होगी? या दोनों हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? साथ ही सवाल ये भी उठता है, क्या आराधना रिहांश को माफ करेगी और दोनों एक बार फिर साथ हो जाएंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपने फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्में बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।